पिछले मंगलवार को गुरेज सेक्टर में बाग 2 के समीप सेना की मारी चौकी के हिमस्खलन की चपेट में आने से वहां तैनात सेना के 3 जवान लापता हो गए थे, जबकि कुपवाड़ा जिला के नौगाम सेक्टर में गश्त कर रहे 2 जवान पहाड़ से फिसल गए थे और इन्हीं जवानों में शिव सिंह भी शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान उनका शव बर्फ में दबा मिला। मौसम के खराब होने की वजह से चॉपर की उड़ान नहीं हो सकी, जिसके चलते उनका शव वीरवार को उनके पैतृक गांव लाया गया व वहीं उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस मौके पर अधिकारियों समेत गांववासी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिव सिंह घर के इकलौते पुत्र थे। है कि हमारे जो देश का जवान है गनर शिव कुमार मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हुआ है गुरेज सेक्टर LC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उसके परिवार में जो भी हैं, उनकी माताजी और उनकी जो बहनें हैं, उनको जिला सैनिक वेलफेयर और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार की जो ग्रांट उनको ऑथराइज है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। जल्द से जल्द इनकी पेंशन, माताजी की, शहीद की माताजी की पेंशन लगवाई जाएगी। और व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वी कैन डू, वी आर देयर टू डू इट एंड वी आर द नोडल एजेंसी फॉर इट। और मैं आज काफ़ी दुखी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इलाके का ही शहीद हुआ है। तो किसी भी प्रकार के इनकी अगर परिवार को किसी भी तरह की सहायता है तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में ये संपर्क किसी भी समय कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी इनको घर में दे दिया गया है। हल्का नालागढ़ के गांव गुल्लवाड़ा में शिव सिंह जो हमारा एक फौजी था उसकी कश्मीर में बर्फ के नीचे आने से जो है मृत्यु हुई है। हमें अत्यंत दुख है कि इस दुख में हम सभी लोग जो इस हलके के हैं शहीद के परिवार के साथ हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जैसे पहले शहीद हुए हैं उसी तरह इस शहीद को भी जो है उचित सहायता दी जाए और इसके नाम का कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए जो कि शिव सिंह के नाम का हो और उसका जो है हमारे गांव कसौली में जो है यादगार जो है बननी चाहिए। और मैं अंत में फिर जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं। इस दुख की घड़ी में जो है हम शहीद के परिवार के साथ